राम किशन जी का स्वागत एवं अभिनंदन जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं इनका स्वागत करें। मैं आपसे राधे राधे जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, राधे राधे डॉक्टर साहब, आपको मैं चाहूंगा कि मंडल हमारे मंडल अध्यक्ष बहुत बढ़िया आप मंडल मेरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्थान ग्रहण करने। शेखर शर्मा जी ओम प्रकाश जी का, शेखर शर्मा जी ओम प्रकाश जी का माला नहीं पहन रहे हैं तो आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मैं नाम लूंगा बंसी वाले का, आप जोरदार जय जयकार करेंगे। संदीप जी, सुमन झा जी, सुमन झा जी देवीलाल जी का स्वागत कर लो। उम्र 55 का हो जाता है तो जोश और उन्माद बच्चों की तरह हो जाता है। सिर मथुरा में जो आपके महेश बहुत नजदीक है, सिर मथुरा में 23 तारीख को आपके यशस्वी आपके चहेते और आपके लिए सौगात देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आ रहे हैं, उसका न्योता देने के लिए आए हैं और उसके साथ साथ विश्रोणी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण है। तो माननीय विधायक जी ने उस प्रतिमा अनावरण के साथ एक विकास रैली भी रखी है, वो विकास रैली आपकी उपस्थिति के लिए रखी है, आपकी ताकत के लिए रखी है और आपके विकास और आपके विश्वास के लिए रखी है। तो और भैया मैं एक बात कहूंगा कि ऐसे कर्मठ रात को रात नहीं समझते, दिन को दिन नहीं, आपके एक बुलावे पर से कभी आपको आवाज दे, बच्चा आवाज दे, बड़ा आवाज दे, ऐसा कर्मठ विधायक ये शोभा का एक बार जोरदार तालियां बजाकर। तेईस तारीख को एक निवेदन है, आपकी अगर हाजिरी कम होगी तो वो आपकी ताकत कम होगी, अगर आपकी उपस्थिति कम होगी तो वो आपकी ताकत कम होगी, क्योंकि विधायक जी की ताकत आप लोग हो, विधायक जी का विश्वास आप लोग हो, विधायक जी की उपस्थिति आप लोग हो। और भाई 23 तारीख को सभी काम छोड़ देना, सारे नोते ब्याज शिक्षक भाष सब छोड़ देना, सारे काम छोड़ देना, सिर्फ एक दिन 23 तारीख को 2 घंटे के लिए 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जब पहुंचे 12 बजे तो उनको लगे कि 16 का ये वाटिका कुंज पूरे दल बल के साथ तूफान हो जाए, क्योंकि इनका विश्वास यही है कि भी मेरी नगरी पहुंचे इसी विश्वास के साथ पुनः। और मैं जो पगड़ी आपने बांधी है, मैं तो एक बात कहूंगा विधायक जी, इस पगड़ी का कभी सौदा नहीं किया संजय जी ने, इस पगड़ी को कभी लजाया नहीं, आपकी दी हुई पगड़ी मैच कोई कपड़ा नहीं है, आपके विश्वास को धोखा नहीं किया, आपकी ताकत बढ़ाई है। और मैं एक विश्वास और कहता हूं कि आपकी पगड़ी को कभी संजय सिंह झुकने नहीं देगा, इस पगड़ी को लगा देगा, ऐसा कर्मठ विधायक पुनः अपने शब्दों को विराम देता हुआ और 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। पूरे इतिहास के साथ जो आपने मान सम्मान दिया, जो आपने इज्जत बरसी, उसके लिए पूरे धन्यवाद। और 23 तारीख को जोटा मारो, दल बल के साथ सभी पहुंचो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाहूंगा कि जितने भी लोगों को धन्यवाद करते हैं और जो यह कार्यक्रम आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए खास तौर पर, क्योंकि जिस प्रकार की हमारी यहाँ आबादी, जिस प्रकार की हमारी बसावट और जिस प्रकार की जो चैलेंज कर रही है, ये समय था जब अभी कुछ दिन पहले ही ये नहीं पता होता था कि रात को सो रहे हैं, सुबह पता नहीं है कौन कौन का है, तो पिल्लर के लिए रहे हैं कि जिसे से बात हो रहे थे ना, चलो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं मान के मुख्यमंत्री यशस्वी मनोहर लाल जी ने इनके पॉलिसी जो अभी जल्दी बनाने वाले हैं।